अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। क्या आपका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यानी अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं? रुक जाइए, अभी अप्लाई ना कीजिए। क्यों अप्लाई ना करें भाई, हमारा तो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए हैं, क्यों ना करें? रुक जाओ भाई, बताता हूँ क्यों ना करें। बिल्कुल, आप जब आपका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ अपने चैनल की सेटिंग्स करनी है, उसके बाद आपने अपने चैनल को जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। अब कौन सी वो सेटिंग्स हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ बिना टाइम ज़ाया किए, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये जो मैं सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ, इन सेटिंग की वजह से हमारा चैनल जो है वो जल्दी मोनेटाइज होगा, या ये सेटिंग जो है वो जल्दी मोनेटाइज होने में हेल्प करेंगी, ठीक है। वो कौन सी सेटिंग हैं, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है और अपने स्टूडियो को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन किया हुआ है, ये देख सकते हैं मेरा यूट्यूब स्टूडियो ओपन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है और 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मौजूद है, ठीक है। यानी मेरे 4 के 4 स्टेप जो हैं वो यहाँ पर कम्प्लीट हैं। अब ये देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन मेरे पास आया हुआ है, मैं अप्लाई करने के लिए यानी अब मेरा चैनल जो है वो अप्लाई करने के लिए रेडी है, मैं अपने चैनल को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों नहीं करूँगा, मैं पहले अपने चैनल की सेटिंग करूँगा जिससे मेरा चैनल जो है वो जल्दी मोनेटाइज होगा, ठीक है। काफ़ी लोग जो हैं वो ऐसे अप्लाई कर देते हैं, फिर उनका चैनल जो है वो स्टेप 3 जो होता है इन प्रोग्रेस में पड़ा रहता है, यानी अंडर रिव्यू में पड़ा रहता है, फिर वो कहते हैं कि ये इशू आ गया, जिसकी वजह से लेट मोनेटाइजेशन होती है। तो आप सेटिंग बताते हैं कौन सी है। सबसे पहले आपने जो है अपने चैनल की जो ये हमारे पास ये सारे मेन्यूज आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप 3 लाइन के ऊपर मेन्यूज है, ये एक्सपेंड मेन्यू के ऊपर क्लिक करके ये देख मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है अपने चैनल की कस्टमाइजेशन जो है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शन आ जाते हैं। इसके अंदर जो है पहले नंबर पर हमारे पास लेआउट आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्रांडिंग आती है, तीसरे नंबर पे हमारे पास बेसिक इन्फो आती है चैनल की, ठीक है। सबसे पहले हम रहेंगे अपने लेआउट के ऊपर। लेआउट कौन सा होता है, हमारे चैनल का व्यू होता है कि हमारा चैनल का जो लेआउट है, जो हमारा व्यूअर हमारा आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर, उसको हमारा चैनल कैसे शो होगा, ठीक है। तो वो ये यहाँ पर हमारा लेआउट होता है, यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है। जो विजिटर जो व्यूअर जो है मेरे चैनल पर आएगा उसको इस तरह मेरा चैनल शो होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह उसको शो होगा। यहाँ पर इसके आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्यों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका जो बैनर इमेज आप कहते हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लगी हुई है। मेन थीम जो होती है वो जो चेक करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद ये चैनल की लोगो लगा हुआ है, ठीक है। चैनल का नेम सेलेक्टेड है, उसके बाद नीचे इसकी मेन्यू मैंने सेलेक्ट की हुई है। सबसे पहले इसके जो फीचर सेक्शन ऐड किए हुए हैं वो शॉर्ट का सेक्शन है, फिर नीचे वीडियोज आती हैं, फिर उसके बाद नीचे होता है प्लेलिस्ट का भी होता है, लाइव का भी होता है, वो भी होता है, ठीक है। उसके हम सेटिंग करेंगे, यही चीज़ें हम सेटिंग करेंगे लेआउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सपोर्ट स्पॉटलाइट सबसे पहले है, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब। यहाँ पर अब चैनल ट्रेलर हमने ऐड करने है, उसका फायदा क्या होता है वो नीचे आप देख सकते हैं, शेयर अ प्रीव्यू ऑफ योर चैनल फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब येट। यानी जो न्यू पीपल हमारे लोग आते हैं, ये देखें अब ये मेरा चैनल है, कोई न्यू यानी आप मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, आपको एक मेरे चैनल की इंट्रो वीडियो जो होगी ना, ट्रेलर वीडियो जो जो ट्रेंडिंग मेरी वीडियो होगी, बहुत अच्छी वीडियो होगी, उसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। उस वीडियो को फौरन वो आपको नजर आएगी, उस वीडियो को आप फौरन देखोगे तो आपको वो पसंद आएगी, आप मेरे चैनल को और भी वीडियो जो है वो भी आप देखोगे। तो ये चैनल ट्रेलर का फायदा होता है, ठीक है। तो उसको कैसे ऐड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सामने ऐड का बटन है, आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ से कर, ये आप जैसे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये हमारी जो वीडियोज हैं चैनल की वो हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पर जो सबसे आपकी ट्रेंडिंग वीडियो है, अच्छी वीडियो है, सही वीडियो है, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वीडियो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं ये वीडियो जो है वो चैनल ट्रेलर के तौर पर आ चुकी है। अब मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे शो होती है। मैं यहाँ पर ये लगाने के बाद आपने यहाँ पर ये पब्लिश है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
देख सकते हैं जैसे पब्लिश ऊपर क्लिक करेंगे ये लोडिंग होगा और सेटिंग हमारे देख सकते हैं चेंजेस पब्लिश। ठीक है, यहाँ पर गो टू चैनल के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पर जो पहले आपने चैनल डैशबोर्ड ओपन किया होगा उसको आप दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश कर दें। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या चेंजिंग हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं पहले यहाँ पर ये नीचे फॉरन शॉर्ट वीडियो शो हो रही थी। ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हैं मेरी जो मैंने अपनी इंट्रो वीडियो लगाई है वो यहाँ पर शो होने लगी है। ठीक है, इस तरह से है जो चैनल ट्रेलर जो हम लगाते हैं वो इस तरह से है। जब आप न्यू विजिटर हैं आप मेरे चैनल को पर आए आपको सबसे पहले मेरी ये वीडियो नजर आई है। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है पसंद आती है तो मेरी आप वीडियो और भी देखेंगे। इससे चांस होता है कि वो व्यूवर जो होता है आपके चैनल को ज्यादा रहता है, आपकी वीडियो को देखता है, आपको सब्सक्राइब भी करता है, आपकी वीडियो को लाइक भी करता है। ठीक है, तो चैनल ट्रेलर आपने लाजमी से ऐड कर लेना है मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्ड वीडियो, यानी जिसने पहले आपको सब्सक्राइब किया है जब वो वापस आप चैनल के ऊपर आएगा तो कौन सी वीडियो शो हो वो आपने वीडियो लगानी है। ठीक है, फीचर वीडियो ऐड को क्लिक करें, यहाँ पर आप कोई सी वीडियो जो है वो सिलेक्ट कर लें। आप वीडियो बनाकर भी रख सकते हैं कि मेरे चैनल पर वापस आने का शुक्रिया, वो थैंक्स की वीडियो को बना सकते हैं। मैं कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वीडियो मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे आते हैं फीचर सेक्शन आ गए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियोज का सेक्शन है, ये वीडियो का है, इनकी आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर इसको। बाकी ये ठीक है, बाकी आपने आना है ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग के अंदर आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका जो है यहाँ पर बैनर इमेज जो है ठीक है ये आपकी लगी हुई है या आपने नहीं अपलोड की हुई। ठीक है, उसके बाद आपने अपने चैनल का जो वाटरमार्क, ये वीडियो वाटरमार्क, ये यहाँ पर हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो होती है ये भी आपने देख लेनी है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ठीक है, वो भी आपने प्रोफाइल पिक्चर और अपनी बैनर इमेज जो है वो आपने अपने चैनल के ऊपर लाजमी से अपलोड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। उसके बाद वीडियो वाटर मार्क ये ऐड करें ना करें इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम जाते हैं बेसिक इन्फो के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले आपका मेन चीज़ होती है आपके चैनल का नेम। ठीक है, आपने सही सा यूनिक सा अपने चैनल का नेम रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो इसका हैंडल होता है, हैंडल मतलब कि आपके चैनल का यूनिक नेम जिससे लोग आपको आसानी से फाइंड कर सकें वो नेम आपने यहाँ पर लिख लेना है। सबसे मेन आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने चैनल के बारे में लिखना है कि आप किस चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी वीडियोज़ को बनाते हैं। ठीक है, अपने चैनल के ऊपर कौन सी वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। इससे जो यूट्यूब की टीम है या जो भी न्यू विजिटर है जब आपके चैनल के ऊपर आता है तो डिस्क्रिप्शन चेक करता है उसको, यहाँ पर वो पढ़ के उसको पता चल जाता है कि आपका चैनल जो है वो किस चीज़ के बारे में है, किस निश के ऊपर है। ठीक है, कि इस चैनल के ऊपर वो उसको कौन सी वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लाजमी से लिखनी है। जैसे कि मेरी लिखी हुई है वर्क ट्रैवल एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ठीक है, यानी मैं व्लॉग्स बनाता हूँ डेली लाइफ के। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले लिखना है कि वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, WS ऑफिशियल आगे लिख सकते हैं या ना लिखें कोई नहीं है, माय यूट्यूब चैनल WS व्लॉग्स। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर अब मैं लिखूंगा जो मेरे ये रिलेटेड है उसके मैं यहाँ पर लिख दूंगा डेली लाइफ व्लॉग्स डेली लाइफ व्लॉग्स वर्क ट्रैवल एवरीथिंग इन बिटवीन। ठीक है, आपने अपनी अपने मुताबिक डिस्क्रिप्शन जो है आपके वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने अपने जो चैनल लिंक सोशल लिंक्स हैं और वो आपने ऐड करने हैं, यानी अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक, पेज का लिंक ऐड करने हैं, टिकटॉक है आपकी, इंस्टाग्राम जो है जो भी है आपके आप उसके लिंक आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट ईमेल ऐड कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट ईमेल आप यहाँ पर ऐड करेंगे, मैं अपना कॉन्टैक्ट ईमेल ऐड करता हूँ। ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ पर ऐड करना है। जीमेल ऐड करने के बाद ये जीमेल ऐड हो गया, मेल ऐड हो गया, लिंक्स आपने ऐड कर लिए, ये आपने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, आपने चैनल का नेम देख लिया है, अपने ब्रांडिंग ये इसके अंदर बैनर इमेज देख लिया, प्रोफाइल इमेज ये भी सेट कर लिया है। सारा कुछ सेट करने के बाद आपने अब पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तमाम सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी, ये देख सकते हैं चेंजेस पब्लिश। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर आप रिफ्रेश करते हैं। ठीक है,
अब हमारे चैनल के अंदर जो हमने सेटिंग की है वो हमारी सेटिंग चैनल के अंदर वो हो चुकी है, ठीक है। आप अपनी बैनर इमेज लगाएंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उसके कैसे बाद हैं आपको आप प्रोफाइल सब? पिक्चर उम्मीद अपलोड करता हूँ करेंगे, वो खैरियत हर से चीज़ें होंगे, आपने ठीक ठाक। सेटिंग कर लेनी है, ये सारी चीज़ें करके डिस्क्रिप्शन लिख के उसके बाद आपने आना है यहाँ पर। ये जो कंटेंट टैब है, कंटेंट टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी जितनी भी वीडियोज हैं उन तमाम को आपने चेक करना है, ठीक है। इसके अंदर जब मोनेटाइजेशन के लिए जाता है वो आपके सबसे पहले आपके चैनल की मेन थीम देखते हैं, ये वाली जो यानी ये मेन थीम है ये देखते हैं। उसके बाद आपकी वीडियो देखते हैं कि ये कि कौन से कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है, एक ही कंटेंट है या मुख्तलिफ है। उसके बाद वो जो वीडियोज हैं तमाम हमने डाली हुई हैं उनके टाइटल चेक करते हैं, टैग्स चेक करते हैं और इनके डिस्क्रिप्शन भी चेक करते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी तमाम वीडियोज को चेक कर लेने हैं कि इनके टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और टैग्स के अंदर कोई आपने गलत चीजें तो नहीं लगाई हुई, ठीक है। यानी एक 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 ही टैग को बार बार नहीं लगाया हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत सारे टैग्स को डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं किया हुआ, जिसे मिसलीडिंग मेटा डाटा कहते हैं, या किसी और की आपने वीडियो अपलोड नहीं की हुई अपने चैनल के ऊपर, या तीन चार वीडियो सेम वीडियो आपने अपने चैनल के ऊपर अपलोड तो नहीं की हुई। ये सारी चीजें जो है वो आपने चेक कर लेनी है अपने चैनल के ऊपर। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर आपने जाना है अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन के अंदर, फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी तमाम वीडियोस की जो है वो सेटिंग कर लेनी है, सेटिंग करने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ सेटिंग्स जिनको आपने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना है, फिर अप्लाई करना है। एक और चीज आपने यहाँ पर चेक करनी है, आप आना है अपने कॉपीराइट सेक्शन के अंदर, ठीक है। कॉपीराइट सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपने देखना है कि कोई आपके पास यहाँ पर कुछ शो तो नहीं हो रहा कॉपीराइट, कोई रिक्वेस्ट तो कोई नहीं शो हो रही, ठीक है। ये चेक करने के बाद फिर आपने मोनेटाइजेशन टैब के ऊपर आना है और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं 2023 के अंदर, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।